हे फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और हमारे ब्रह्मांड के जन्म से लेके अब तक जितना समय गुजरा है उसमें से मानवता को आके बस 2 लाख साल ही हुए हैं। इसका मतलब 1370 करोड़ सालों में हम बस इसके 0.00001% समय ही आ रहे हैं। एक समय था जब हम अफ्रीका के जंगलों में जानवरों का शिकार करते थे और आज कुछ ही सालों में हमने पूरे पृथ्वी पर अपना कब्जा हासिल कर लिया है। और ये सब ब्रह्मांड के समय में सिर्फ एक पलक झपकाने जितना समय है। इंसानी सभ्यता आज भी टेक्नोलॉजी और दूसरे कई क्षेत्रों में काफी विकास कर रही है और हम इसी तरह ही आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होगी और वो है ऊर्जा। आज के समय में ही हम लगभग 17.35 टेरावाट्स तक की ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, जो हम फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, घरों में और गाड़ियों में यूज करते हैं। हमारे पृथ्वी में आज 760 करोड़ लोग हैं, 12 जन जिसमें से चांद पर जाके आए हैं, और हम आए दिन स्पेस में सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स बना रहे हैं और आगे मार्स ग्रह पे जाने के अरमान रखते हैं। कितने आधुनिक है हम, राइट? वेल, असल में हम अब तक इतने भी आधुनिक नहीं हुए हैं जितना हम सोचते हैं। 1964 में एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डेशेव ने ब्रह्मांड के सभ्यताओं यानी सिविलाइजेशंस के टेक्नोलॉजी में आधुनिकता को मापने के लिए एक स्केल बनाया, जिसे हम कहते हैं द कार्डेशेव स्केल। इस स्केल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसपे ये पूरा स्केल आधारित है वो ये है कि एक सभ्यता एक साल में कितनी ऊर्जा का उत्पादन या उपयोग कर सकती है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं ऊर्जा टेक्नोलॉजी के रगों में दौड़ती खून होती है और उसके उत्पादन से हम किसी भी सभ्यता के आधुनिकता का अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। कार्डेशेव ने 3 टाइप के सभ्यता बताए उनके आधुनिकता के हिसाब से, Type 1 सिविलाइजेशन, Type 2 सिविलाइजेशन और Type 3 सिविलाइजेशन, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये स्केल लॉगरिथमिक है, यानी जैसे हम एक लेवल ऊपर बढ़ते चले जाते हैं ऊर्जा की जरूरत कई गुना बढ़ती चली जाती है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर Type 1 सिविलाइजेशन 1 लीटर का पानी का बॉटल है तो Type 2 एक ओलंपिक स्विमिंग पूल जैसा होगा और Type 3 पूरे पृथ्वी के पानी जितना। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिकता का भविष्य में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, यानी वो एक मुकाम के बाद आने वाले सालों में कई गुना बढ़ती चली जाती है। तो कार्डेशेव के हिसाब से Type 1 सिविलाइजेशन का मतलब वो सिविलाइजेशन यानी सभ्यता जिसने अपने ग्रह की सारी ऊर्जा पर पूरा नियंत्रण पा लिया है, यानी उन्होंने अपने ग्रह के सारे नेचुरल फ्यूल्स और सूरज की पड़ती हुई किरण का पूरा इस्तेमाल करना सीख लिया है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रह पृथ्वी को ही सूरज से 200 क्वाड्रिलियन वॉट्स पावर मिलता है, जो ऑफ कोर्स ऊर्जा है, लेकिन हम उसमें से कितना यूज कर पाते हैं? वेल, ऑन एवरेज हम यूज कर पा रहे हैं 12.3 टेरावॉट्स। और अगर हम थोड़ा सा मैथ करें तो हमें ये नंबर मिलता है, मतलब हम हमारे पृथ्वी पे पड़ने वाली सूरज की ऊर्जा का सिर्फ 14,000 में से 1 भाग का ही उपयोग कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमें Type 1 सिविलाइजेशन ही बनने के लिए काफी टाइम लग जाएगा, राइट? बट जैसे हमने पहले जाना था कि हम एक ऐसे मुकाम पे है कि यहाँ से विकास एक्सपोनेंशियली होने वाला है। जितना विकास हमने कई हजारों सालों में देखा है उससे कई ज्यादा हम एक दशक में ही देख सकते हैं। इनफैक्ट बहुत से साइंटिस्ट जैसे फ्रीमैन डाइसन और मिचियो काकू का कहना है कि हम एक पूरे Type 1 सिविलाइजेशन सिर्फ 100 से 200 सालों में ही बन सकते हैं। एक Type 1 सिविलाइजेशन बनने के बाद हमारे पास पृथ्वी पर पूरा कंट्रोल होगा, हम मौसम बदल पाएंगे, अपने ग्रह के नक्शे कदम बदल पाएंगे और भी बहुत बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन इतना आधुनिक सिविलाइजेशन भी कुछ नहीं होगा Type 2 सिविलाइजेशन के सामने। Type 2 सिविलाइजेशन, जिसे स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, अपने सितारे की पूरी ऊर्जा के उत्पादन पर नियंत्रण रख सकता है और इस ऊर्जा को पूरे सोलर सिस्टम में कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। मतलब वो पूरी ऊर्जा जो उस ग्रह का सितारा स्पेस में रेडिएट कर रहा है उसका वो सभ्यता पूरी तरह से उपयोग कर पाएगी। ये सुनने में ही कितना रोमांचक लगता है, राइट? और आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से असंभव भी, लेकिन विज्ञान का इतिहास रहा है कि इसने कितने असंभव कार्यों को भी संभव बनाया है। ये संभव कर पाने के लिए एक मॉडल भी बनाया गया है जिससे एक सितारे से निकलती सारी ऊर्जा को सोखा जा सकता है और वो है जिसे हम कहते हैं डाइसन स्ट्रक्चर्स के द्वारा। ये चीज आपने साइंस फिक्शन मूवीज में देखी हो सकती है। ये बेसिकली एक सैटेलाइट्स का नेटवर्क होता है जो एक सितारे को चारों बाजू से घेर लेता है और उसकी सारी ऊर्जा को सोख सकता है। वैसे इसके काफी सारे मॉडल्स हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं तो कुछ ऐसे या फिर ऐसे।
पर इन सबके अपने फायदे और नुकसान है। कुछ तो प्रैक्टिकल भी नहीं हो सकते हैं और कुछ बिल्कुल हो सकते हैं। एक इंग्लिश वीडियो है जो डाइसन स्ट्रक्चर्स को एकदम डिटेल में डिस्कस करता है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। तो ये मॉडल से बेसिकली अगर हम आने वाले कुछ हजार सालों में अगर सूरज की पूरी ऊर्जा जो आंकड़ों में 400 सेप्टिलियन वॉट्स है यानी 400 के आगे 24 जीरोस को एब्सॉर्ब कर सके और उसका उपयोग कर सके तो हम टाइप 2 सिविलाइजेशन कहलाए जाने लगेंगे। एक टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने सूर्यमंडल के सारे प्लैनेट्स पे अपना नियंत्रण रखेगी, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को धातु पदार्थों के लिए माइन करेगी और बेसिकली जो भी करना है वो कर सकेगी अपने सूर्यमंडल में। इस सिविलाइजेशन के पास इतनी ऊर्जा होगी कि सोचकर ही हैरानी हो जाती है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि यार इतनी सारी ऊर्जा का हम क्या करेंगे, बट सोचिए हजारों सालों बाद मानवता कितनी आधुनिक हो गई होगी। इतनी आबादी के मांगों को पूरी करने के लिए विशाल फैक्ट्रीज होगी जो न जाने क्या क्या आधुनिक चीजें बना रही होगी। विशाल से मॉन्स्टर्स जैसे कंप्यूटर्स होंगे जो ब्रह्मांड में जीवन ढूंढ रहे होंगे या फिर स्पेस मिशन चल रहे होंगे पूरे गैलेक्सी को अपना घर बनाने के लिए। हम खुद दूसरे प्लैनेट्स में ही अपनी बस्तियां बना चुके होंगे। रोबोट्स, वर्चुअल रियलिटी, इलेक्ट्रिक प्लेन्स, क्वांटम कंप्यूटर्स और न जाने क्या क्या। जब ऊर्जा सस्ती और साफ हो तो हर प्रकार की असंभव चीज संभव हो जाती है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे आधुनिक और एडवांस्ड टाइप 3 सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब ये सिविलाइजेशन की तो बात ही अलग है। ये सिविलाइजेशन अपने पूरे गैलेक्सी में सारी ऊर्जा को कंट्रोल करेगा। इस पूरे सिविलाइजेशन के पास इतनी शक्ति होगी कि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये सिविलाइजेशन तो आज के जमाने के हिसाब से पूरा साइंस फिक्शन का विषय है, पर फिर भी हम इसके बारे में बात करेंगे। ये भी सितारों की ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करेगी और एस्टेरॉइड्स और प्लैनेट्स को धातु और खनिज पदार्थों के लिए इस्तेमाल करेगी, पर सिर्फ फर्क इतना होगा कि ये ऐसा करोड़ों सितारों और प्लैनेट्स के साथ करेगी। इस टाइप की सिविलाइजेशन प्लैनेट्स को शहरों की तरह यूज करेगी, एक प्लैनेट में बस्ती बनाएगी और फिर दूसरे में और फिर ऐसे ही अनगिनत प्लैनेट्स में। इनके पास टोटल 100 अनडेसिलियन वॉट्स के पावर का कंट्रोल होगा। बस इमेजिन कीजिए एक ऐसी सभ्यता जो पूरे गैलेक्सी में हर एक सूर्यमंडल को डिसमेंटल करके उसके सूरज में डाइसन स्पीयर्स लगा के सारी ऊर्जा सोख रही है। सोचकर ही कितना अजीब लगता है, राइट? लेकिन क्या ये सब पॉसिबल है? आपके मन में ऑफकोर्स यही सवाल आ रहा होगा। मेरे ओपिनियन में ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो फिजिक्स के सिद्धांत अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने के बाद भी एक ऐसा समय आएगा कि हम हमारे गैलेक्सी के बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि डार्क एनर्जी सारे गैलेक्सीज को रोशनी से भी तेज गति से एक दूसरे से दूर कर रही है। पर किसी दिन हम अपने गैलेक्सीज के ही मास्टर्स जरूर बन सकते हैं और फिजिक्स के लॉज हमें इस क्रिया में जरूर मदद करेंगे। बस सिर्फ हम इंसान न्यूक्लियर या ऐसे ही कोई युद्ध में बर्बाद ना हो जाए। और बाय द वे, ये स्पेस का एक ऐसा हिस्सा है जहां तारों से आती हुई रोशनी एवरेज से काफी कम है। इसे कहा जाता है दी सुपर वॉइड। और ऐसे ही कई और वॉइड्स भी है ब्रह्मांड में। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन यहाँ के गैलेक्सीज पे राज कर रही है और सारे सितारों को डाइसन स्पीयर्स में कैद करके ऊर्जा से अपनी सभ्यता चला रही है? सोचना ही काफी अजीब है, राइट? आपको क्या लगता है कॉमेंट जरूर कीजिए नीचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।